बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ इकरा खान एंड आई एम योर लेक्चरर। आई एम फ्रॉम लिम्स लेजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज फ्रॉम मुल्तान। द डिपार्टमेंट इज़ BS इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे हमारे टॉपिक को जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सिविलाइजेशंस को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन हमने उसको स्लाइड ज़्यादा होने की वजह से या उस टॉपिक के लेंथी होने की वजह से हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अच्छा, अब वो लेक्चर नंबर 8 आपका डिलीवर हो गया था। अब ये है आपका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह उसको एंड भी करेंगे कि इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे कंप्लीट विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को जो कि है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कंटिन्यूड। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसका एंड हमने किया था समेरियंस पे। समर्स को हमने डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट को। यहाँ पे हमारा टॉपिक आ रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट को देखेंगे। मेसोपोटामिया डिड नॉट हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अननेचुरल बाउंड्रीज। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया जो है वो प्रोटेक्शन उनके पास नहीं थी अननेचुरल बाउंड्रीज या नेचुरल बाउंड्रीज में, यानी जहाँ पर वो रहते थे उनकी कोई सरहदें वगैरह जो है वो उनको वहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी। दिस लेड टू कॉन्स्टेंट माइग्रेशन। इस वजह से उनकी जो है वो मुसलसल माइग्रेशन होती थी ऑफ इंडो यूरोपियन पीपल्स फ्रॉम द एरिया बिटवीन द ब्लैक एंड कैस्पियन सीज, यानी ब्लैक सी और कैस्पियन सीज के दरमियान में था जो एरिया, वहाँ तक उन लोगों से वो जो है वो हमेशा जो है वो उन लोगों के साथ माइग्रेशंस करते थे मुसलसल, यानी हिजरत वगैरह होती थी इनकी वहाँ। दिस लीड टू अ कॉन्स्टेंट माइग्रेशन एंड कल्चर एंड कल्चरल डिफ्यूजन और द प्रोसेस वेयर एन एग्जिस्टिंग कल्चर adopts the traits two of another and the two eventually merge into a new culture। यानी जब उन्होंने उनके साथ जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट की तो फिर माइग्रेशन करने के बाद जो एक प्रोसेस था यानी कल्चरल डिफ्यूजन जिसमें कुछ नया एक बनता है मिक्स हो के, तो वो ये था कि इन दोनों की कल्चरल्स जो थी इन दोनों ने दूसरे के कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया था और उन दोनों की ट्रेड्स या जो कल्चर्स थे वो मर्ज हो गए थे और एक नया कल्चर बन गया था, जिस तरह मैंने आपको सोशियोलॉजी में भी ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो आपको पता होगा कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। एज आ रिज़ल्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्ड टू डिवेलप इन मेसोपोटामिया। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी मेसोपोटामिया की वो फेल हो गई थी, नाकाम हो गई थी। अच्छा, द डोमिनेंट पॉलिटिकल यूनिट वाज द सिटी स्टेट आ स्मॉल एरिया सराउंडिंग अ लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल यूनिट था यानी सिटी स्टेट का, वो एक डोमिनेंट स्टेट था लेकिन स्मॉल एरिया सराउंडिंग अ लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी तो उसके अंदर वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बन गया था। आगे हम देख लेते हैं रिलीजन को। रिलीजन यानी मज़हब देख लेते हैं। बिलीव द वर्ल्ड वॉज अ फ्लैट डिस्क सराउंडेड। ठीक है, बिलीव कर किया जाता था कि जो वर्ल्ड है यानी दुनिया है वो एक फ्लैट डिस्क सराउंडेड यानी एक डिस्क के सराउंडेड जो है वो चक्कर लगा रही है या घूम रही है बाय स्पेस। ठीक है, अबव इट वॉज द हेवंस जो कि जन्नतों से भी काफ़ी ऊपर है, उससे भी बाहर है। ठीक है, और उसमें था पॉलीथेइस्टिक। अब पॉलीथेइस्टिक क्या होता है, यानी कि वहाँ पर ये बिलीव किया जाता था कि जो रिलीजन है ना उनका वो है पॉलीथेइस्टिक यानी सॉरी यहाँ पर हम देख रहे थे। अच्छा, पॉलीथेइस्टिक यानी एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखना यानी शिर्क, शिर्क यानी शिर्क परस्ती भी कह दें, बुत परस्ती भी कह दें। तो वहाँ का जो सिस्टम था ना वो इस तरह से काफ़ी फेमस था कि वो पॉलीथेइस्टिक थे। अच्छा, नेक्स्ट है ज़िगुराट्स वर बिल्ट टू कनेक्ट हेवन टू अर्थ। अच्छा, अब ज़िगुराट्स जो थे उनको कहा जाता था जहाँ पर
बहुत, यानी कि आपको ये कह दूँ कि असेरियंस एंड बेबीलोनियंस का ना ये एक कंसेप्ट था कि वो टावर्स बनाए हुए थे, जैसे कि लाइक अ पैरामिड्स, ठीक है, जैसे इजिप्ट में पैरामिड्स हैं बिल्कुल वैसे, तो उन वो बिल्ड किए जाते थे, और पैरामिड्स हों तो वो होते हैं इजिप्टियन, उसी तरह के स्टाइल में ज़िगुराट्स उसको कहा जाता है अगर वो असेरियंस एंड बेबीलोनियंस जैसी टावर्स थे ना उन्होंने बिल्ड करवाए थे, ठीक है, वो भी जिस तरह पैरामिड्स की तरह ही थे, वर बिल्ट टू कनेक्ट हेवन टू द अर्थ, यानी ज़मीन से जन्नत की तरफ जाने के लिए वो टावर यानी वो ज़िगुराट्स जो हैं वो बनाए जाते थे, बिल्ट ऑफ मर्ड ब्रिक्स, वो किससे बनाए जाते थे, मर्ड ब्रिक्स के साथ, यानी गारे वाली जो होती है ना ईंटें उनके साथ, मर्ड होता है ना वो गारा या वो क्या उसको और बोलते हैं कि कीचड़ वगैरह, इस तरह की चीज़ों से वो एक ईंटों को भी यानी ब्रिक्स को जोड़कर बनाया जाता था। रिलीजियस इवेंट हेल्ड एट टेम्पल, जो रिलीजियस इवेंट्स थे वो मंदिरों में मुनक्कद होते थे। एवरी सिटी हैड देयर ओन गॉड और गॉडेस, हर शहर के अपने खुदा और खुदाएं यानी देवता और देवताएं थीं, हु ओन्ड एवरी थिंग एंड एवरी वन, जो हर एक चीज़ को जो है वो हर चीज़ की जो थी वो सरप्रस्त थी, और हर एक की, हर चीज़ की और हर एक की गार्जियन थी, गार्डियन कह लें या ऑन कह लें, यानी उनका उस पर हुकूमत थी। फोर गॉड्स क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड यूनिवर्स, चार जो हैं वो गॉड्स को जो है यानी देवताओं को जो है वो क्रिएट किया गया था दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, दुनिया पर काबू पाने के लिए, गॉड ऑफ हेवन, गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ वाटर एंड गॉड ऑफ अर्थ, ठीक है, हेवन, अर्थ, एयर एंड वाटर, ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये चार देवता बनाए गए थे इनके रिलीजन में, जो कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। अब हम अगर इनकी लैंग्वेज देखें तो मेसोपोटामियंस हैड वन ऑफ फर्स्ट रिकॉर्डेड लैंग्वेजेस, इट वाज इन्वेंटेड टू कीप ट्रैक ऑफ फार्मिंग एंड ट्रेड, यानी उन्होंने इस लैंग्वेज को जो है वो क्यों ऐसे ही रखा था, क्योंकि वो ट्रैक पर फार्मिंग वगैरह और ट्रेड के लिए इसको यूज़ करते थे। द फॉर्म ऑफ राइटिंग, उनकी राइटिंग की फॉर्म कैसी थी उसको क्या कहा जाता था, उसे कहते थे पिक्टोग्राम, डैट वॉज यूज बाय द मेसोपोटामियंस, वॉज वेरी सिंपल, जो कि बहुत आसान थी। वन मार्क इंडिकेटेड अ नंबर, एक मार्क जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक नंबर को, ठीक है, या डॉट लगा दें या जो भी एक मार्क है वो एक नंबर को कर रहा था। अदर इंडिकेट बट वॉज बींग काउंटेड, अब दूसरा है तो वो उसमें काउंट कर लें, इस तरह से उनकी काउंटिंग होती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने आपने करने हैं। द राइटिंग वॉज डन बाई मार्किंग वेट क्ले विद अ रीड, यानी क्ले के साथ रीड के साथ जो है वो उसको मार्क किया जाता था। एफिशियंट एंड ईजी एंड इज वॉज इट बिकेम मच मोर डिफ़िकल्ट विद हायर नंबर्स, लेकिन ज़्यादा ऊंचे यानी बड़े नंबर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। जाहिर बात है तब उनको नंबर लिखने नहीं आते थे, जस्ट वो सिम्बल्स के साथ जो है वो उसको पिक्टोग्राम फॉर्म में उसको राइट कर देते थे। अच्छा, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दिस सिस्टम बिकेम आउटडेटेड एंड इंडोग्राम्स केम इनटू यूज़, फिर उसमें इंडोग्राम्स यानी कोई और चीज़ें जो है वो आउटडेट ये हो गया, यानी आउट ऑफ फंक्शन जिसको हम कहते हैं या आउट ऑफ फैशन कह देते हैं कि ये अब फैशन में नहीं रहा तो ये निकल गया, आप उसकी जगह एक नए मॉडर्न जो है वो फैशन ने जो है वो ले लिया, तो इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही हुआ था। इंडोग्राम सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट वर वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू लर्न बिकॉज द डिफरेंट सिम्बल्स वॉज यूज फॉर ईच वर्ड, यानी उन्होंने क्या किया था, एक इंडोग्राम्स बना लिए थे जिस तरह के इस नंबर के लिए ये वाला सिम्बल, इस पाँच नंबर के लिए ये वाला सिम्बल, जैसे कि अगर मैं कहूँ 1000 है तो उसके लिए मैं ये वाला सिम्बल दे देती हूँ कि इसका मतलब है 1000, अब अगर 500 है तो मैं उसके लिए ये वाला सिम्बल दे देती हूँ, या हम ऐसे सिम्बल बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये हो गए उसके सिम्बल्स, ठीक है। तो वो ये भी डिफ़िकल्ट था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ये लर्न करना पड़ना था कि अब इस नंबर को हमने ये वाला नंबर याद रखना है एज इट इज़, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप बिकेम फोनेटिक्स राइटिंग यूज़ विद ऑल यानी क्या अदर कंट्रीज़, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, फोनेटिक्स राइटिंग यानी साउंड्स में राइटिंग उन्होंने स्टार्ट की। द टाइप ऑफ राइटिंग डेट वी एंड मोस्ट अदर कंट्रीज़ यूज, वही वाली जो कि
अभी भी हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी दूसरे कंट्रीज़ में भी यूज़ होती है। विद ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ राइटिंग वन प्रॉब्लम रिमेन्ड, इट लुक्स मैनी ईयर्स ऑफ स्टडी टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, दोज हु डिड लर्न अर्न द टाइटल ऑफ स्क्राइब। द मेसोपोटामियंस इकॉनमी वॉज बेस्ड ऑन फार्मिंग इरीगेटेड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो इकॉनमी उनकी बेस कर रही थी फार्मिंग पे। इरीगेटेड फील्ड्स प्रोवाइडेड द मेसोपोटामियंस विद एवरीथिंग दे नीडेड टू लिव, और उनकी जो इरीगेटेड फील्ड्स थी यानी जो आबपाशी का निज़ाम था जो उनके खेतों में और उनके डिफरेंट फील्ड्स में आता था, तो वही उनको जो है वो ज़िंदगी की हर ज़रूरियात पूरा करने के लिए उसमें मदद देता था। द लैंड वॉज रेंटेड फ्राम द टेम्पल्स, जो है वो लैंड जो थे वो रेंट पर दे दिए जाते थे टेम्पल्स के लिए। विच कंट्रोल द लैंड ऑफ बिहाफ ऑफ द गॉड, जो कि उस सिटी के या उस गॉड के कंट्रोल में होता था बिहाफ ऑफ द गॉड्स, गॉड्स के लिए। ऑल प्रॉफिट्स वर कंसिडरेटेड टू बिलोंग टू द गॉड्स, और जितना भी प्रॉफिट होता था जो वो कंसिडरेट किया जाता था कि वो उन गॉड्स की तरफ से है, उसका ताल्लुक जो है वो गॉड्स की तरफ है। अच्छा, उसके बाद सरगंस लीडर्स, अगर हम लीडर्स की बात करें तो लीडर्स को अगर हम देखें तो सरगंस 2350 से अगर हम देखें 2330, ठीक है, ये BC यानी इनका जो है एक बन रहा है। अब वो थे, अब ये लीडर्स की बात कर रहे हैं हम, ये सरगंस जैसे था और इसका ग्रेट सरगंस था हमुराबी था, हमुराबी जो मैंने आपको सारे बताए थे, तो वो फर्स्ट इन हिज डायनेस्टी, ठीक है, और ये था असोरपर था और मूव्ड कैपिटल टू अकर्ड सक्सीडेड बाय इट्स टू सन्स, ठीक है। हम्मुराबी जो है उसका यहाँ पे बताया हुआ है डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ। ऑब्टेन्स मोनोपोली ओवर मेसोपोटामिया बाय क्लेवर पॉलिटिक्स, उसने बहुत ही ज़्यादा चलाकी और जो है वो कह सकते हैं कि होशियारी के साथ जो है वो मेसोपोटामिया के जो है वो सियासत को जो है वो रन किया था, एंड मिलिट्री सक्सेस, और मिलिट्री को भी जो है वो उसने कामयाब किया था। इम्पोर्टेंट कल्चरल रिवाइवल बिकॉज ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ टेक्सनॉन्स। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, अगर हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को देखें तो 8000 से 7000 BC से जो है वो इसका रेवेन्यू रेवोल्यूशन चला था। मैनी सिविलाइजेशंस बिगेन, इसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। थ्री ऑफ द मेन वर नाइल रिवर इन अफ्रीका, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन मेसोपोटामिया, एंड जेरिको, ये तीन रिवर्स इसके अंदर फेमस हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में जो इंक्लूड थे। अब अगर इनकी इरीगेशन देखी जाए तो द इरीगेशन सिस्टम इज़ अटेस्टेड ऑलरेडी इन वेरी एंशियंट टाइम्स, द अर्लीस्ट अराउंड 6000 BCE। तो अ सिस्टम ऑफ डाइक्स डैम्स एंड कनाल्स, अब ये देखें आ रही हैं कि उसमें डैम्स वगैरह और नहरें, यहाँ पे पाशी का निज़ाम जो था रहा था वो प्रीसिपिटेशंस इन द माउंटेनियस रीजन्स, यानी वो बिलोंग मतलब किस तरह से हेल्प आउट कर रहा था उन्हें पहाड़ी इलाकों में जो था। इन द नॉर्थ इज़ यूज इन द साउथ, जो कि नॉर्थ के यूज़ किया जाता था नॉर्थ में, लेकिन वो साउथ में भी था। द रिक्वायर्ड अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, अच्छा उसमें रिक्वायर्ड था एक हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, और इसके साथ साथ सोसाइटी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स भी इसके अंदर उसकी तामीरात में जो थी वो शामिल थी। मेंटेनेंस सुपरविजन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ द इरीगेशन नेटवर्क, एक पूरा एक मेंटेनेंस चाहिए था सुपरविजन का, एक एडजस्टमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो ये स्टार्ट हुआ था। ओवर इरीगेशन एंड लिमिटेड ड्रेनेज ग्रेजुअली ब्रेकिश्ड द फील्ड्स, ऑफन कॉजिंग इन इकोलॉजिकल क्राइसिस। Together with the change of river flow, it simulate throughout the Mesopotamian history the foundation of new settlements and cities. Our knowledge about the history of irrigation networks is limited by the difficult dating most of the waterworks. अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट देखें, द क्लाइमेट इज एक्सीडिंगली हॉट,
क्लाइमेट वहाँ का जो है वो हमेशा बढ़ता रहता था, यानी गर्म होता रहता था, बट ऑल्सो वेरी ह्यूमिड, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ मुतासर कौन था या सही था, क्योंकि क्या था, द फ्लड्स ऑफन अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि वहाँ पर हमेशा सैलाब वगैरह जो है वो आते ही रहते थे गैर मुमकिन तौर पर भी। मेसोपोटामियंस वर एट द मर्सी ऑफ देयर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, जो मेसोपोटामियंस थे वो अपनी इस यानी मेहमान नवाजी की आदत से या बड़ी खुश मिजाजी की आदत से जो थे वो अपने उन्होंने माहौल को जो है वो बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, एंड बिलीव देमसेल्व्स टू बी एट द मर्सी ऑफ एंग्री एंड इरेशनल गॉड्स, और वो अपने आप को जो है वो बिलीव करते थे कि वो ना गुस्से को ख़त्म करने में जो है वो खुद भी एक गॉड ही है, यानी खुदा हैं। द सिविलाइजेशंस विच प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, अब जो सिविलाइजेशन है जो कि प्रोड्यूस की जाती है सात पुराने अजायबात में से, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबिलोनिया। अब इसके अंदर क्या आता है, वो कहते हैं कि इसके अंदर हैंगिंग गार्डन भी इंक्लूड हो गए बेबिलोनिया के, एंड कंपाइल्ड द एपिक ऑफ गिलगमेश। एपिक ऑफ गिलगमेश यानी एक एपिक है, एक पोइम है गिलगमेश की, वो भी इसमें ऐड कर दी गई। अ पेसिमिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द फर्टाइल सर्च ऑफ इमोरालिटी एंड ह्यूमन मीनिंग। सिटी स्टेट्स रोज एंड फेल, जो सिटी स्टेट्स थे उन्हें उतार और चढ़ाव आते रहते थे। एम्पायर्स रोज एंड फेल, जो हुकूमतें थी वो भी परवान भी चढ़ती थी, उन पर सवाल भी आता था। येट द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ द मेसोपोटामियंस एंड्योर्ड, लेकिन फिर भी जो है वो मेसोपोटामियंस की जो लोगों की जो हिम्मत थी या स्पिरिट थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई थी, अब कभी नहीं टूटी थी। अच्छा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर सिटीज़ को इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर उसका दिया जाता था, टेंपल्स का, और ये देखें सब्सटेंशियल सेरेमोनियल हब, यानी जिस तरह क्लब होते हैं ना वहाँ पे ये हब इस तरह से सेरेमोनियल हब थे, सेरेमोनियल हब जैसे इसमें कोई शादी वगैरह है या कोई भी इकट्ठे बैठ रहे हैं, कोई एक पार्टी है या गेट टुगेदर है, तो वो सारी जो थी ना वो इसके अंदर मौजूद थी। उसके बाद अगर हम बात करें ज़िगुराट्स की, तो ज़िगुराट्स यानी जो मैंने आपको बताया है कि ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर क्या होता था कि मरने के बाद जो है ना वो लोगों के लिए ज़िगुराट्स जो है वो बिल्ड किए जाते थे, ताकि वो अर्थ से हेवन तक उनको मिला सकें। ठीक है, तो ये उनकी स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, ये देख लें आप, ज़िगुराट्स ऑफ और नमू। इंटीरियर, अगर आप इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीरियर शो हो रहा है कि इंटीरियर यहाँ का कैसा है। वेरी लिटिल फर्नीचर, बहुत कम फर्नीचर होता था, सर्वाइव फ्रॉम एंशियंट मेसोपोटामिया, कदीमी जो मेसोपोटामियंस थे उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत कम फर्नीचर जो है वो उनके पास मौजूद होता था या दरकार होता था, प्रिंसिपली बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वुड, तो इस वजह से क्योंकि वो ख़ुद ही ज़्यादा फर्नीचर जो है वो नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि गैर मुमकिन तौर पर जो है वो यहाँ पर सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से उनके जो फर्नीचर थे जो कि वुड से बने होते थे, तो वो पानी जो है वो वुड को प्रिजर्व नहीं कर सकता, यानी उसको महफूज नहीं कर सकता, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत कम अपने इस्तेमाल का ही फर्नीचर चाहते थे, जो कि बहुत ज़रूरी होता था, उससे ज़्यादा फर्नीचर वो जो है वो नहीं जो है वो बनाते थे या अपने साथ नहीं वो कैरी करते थे। फर्नीचर माउंट्स ऑफ ब्रॉन्ज एंड आइवरी, अभी ये देखें ये ब्रॉन्ज एंड आइवरी ये मेटल्स हैं, आइवरी हाथी के दांत को कहा जाता है, ब्रॉन्ज भी एक धात है, हैज़ बीन एग्जॉर्बिटिव इन द रॉयल टॉम्स, जो कि मौजूद होता था हमेशा रॉयल टॉम्स में, यानी जो शहनशाही या फिर सल्तनत के जो लोग थे ना अमीर लोग उनके लिए। एट द सिटी ऑफ यूआर इन एंशियंट सुमर्स, इन मड ब्रिक्स हाउसेज ऑफ द सुमेरियंस, ड्यूरेशन probably was confined to be to a white black or dark streaking painted in diluted with a band of some together color above. In the most elaborate Assyrian places the main decorative features were panels of alabasters and limestones, yani jo carved kiya jata tha unse unko decorate kiya jata tha, wo bahut achhi aur बहुत कीमती किस्म की धातें होती थी, जैसे लाइम स्टोन हो गया, एलेबस्टर्स हो गए, कार्व स्टोन्स हो गए, स्लेव्स वर यूज्ड एज फ्लोरिंग। अब कार्व स्टोन्स जो थे वो स्लेव्स जो हैं वो को यूज़ करते थे फ्लोरिंग पे, यानी फर्श के लिए।
विद टिपिकली मेसोपोटामियंस रिसेटल एंड पाम मेटल, ये क्या लिखा हुआ है, स्टाइल्स स्टलाइज पाम एंड लीफ बॉर्डर, ठीक है, उसको बॉर्डर देने के लिए वो बहुत खूबसूरत सा उसके ऊपर पाम यानी हथेली और लीफ के साथ यानी पत्तों के साथ उसको जो है वो दिया करते थे, एक डेकोरेट कार्विंग दिया करते थे उसकी। द स्टेट एंड अर्बन रेवोल्यूशन को अगर हम देखें, द सिटी स्टेट और स्टेट किंग एंड ट्राइबल लॉयल्टीज आर बाय डेफिनेशन सबऑर्डिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय पॉलिटिकल टाइज व्हाट मेक अ सिटी स्टेट डिफरेंट फ्रॉम अ एग्रीकल्चर टाउन इन द सिनर्जी created by its people interacting with each other on the basics of political relationships rather than traditional blood ties. अब ये देखिए कि किस तरह से जो स्टेट एंड अर्बन रेवोल्यूशन थी वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही थी, कि जो पॉलिटिकल थे उनके लिए जो है वो हमेशा अच्छा और एक अच्छी चीज़ के लिए उन्होंने चुना जाता था, उनके ट्राइब्स को भी जो है वो बहुत अच्छा और एक सिटी स्टेट या एक स्टेट मिलता होता था जिसमें लॉयल्टीज जो है वो देखी जाती थी हर चीज़, लेकिन जो कि थे नॉर्मल से या फिर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इश्यूज से या बिलोंग नहीं करते थे उनके लिए ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ पर हमारी एंड होती है। पार्ट वन को भी आपने डिटेल में देख लिया है और पार्ट टू को भी आई होप आपने इस पूरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को डिटेल में देखा है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम नेक्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको जो है वो इस सिविलाइजेशन के बारे में भी काफ़ी हद तक जो है वो आइडिया होगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि बहुत ओल्डर और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन में से एक थी, उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास 3 सिविलाइजेशन इंक्लूड थी जो कि थी असेरियंस और बेबीलोनिया और सुमेरियंस, ठीक है, ये 3। अब आपको ये सब कुछ पता होगा, आइडिया भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।